कैसे हैं आप सब लोग। और आज इतने टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ फिर से दोबारा से, और इस बार कहीं जा रहा हूँ, भाइयों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लक्ष्मी नगर जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी शूट कर लूँ, और इतना टाइम हो गया ब्लॉग डाले हुए, बहुत पुराना मतलब ब्लॉग डाल रखा है और मतलब कंटेंट तो मिल ही नहीं रहा था। तो वेलकम बैक द MK व्लॉग्स। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि पुनीत सुपरस्टार की तरह ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे की जाए, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो उन्हीं का ही कंटेंट है। तो बाकी तो फेमस अगर होना है ना तो बेशरम बनना पड़ेगा उसकी तरह, बस ये हो सकता है। गाइस लक्ष्मी नगर आ चुका हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ घर पे, और फिर घर पे पहुँच के बात करता हूँ सीधा। तो भाई अभी हम ठेका कॉफ़ी पीने गए हैं, और बहुत टाइम बाद मतलब मन कर रहा था कि एक बार टेस्ट करके देखेंगे। तो ठेका कॉफ़ी का हमें स्टॉल मिल गया है, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठेका कॉफ़ी शार्क टैंक में आ रखी है, ये देखो अभी हमने ये लिया है, ये है मिल्क शेक्स, और ये दो है कि एक को कॉफ़ी की जवानी और एक है मिल्क शेक है, ये भाई है। और ये भाई 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 आपका नाम? सर मेरा नाम किशन है, किशन प्रीत विहार मेट्रो, प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई साहब कसम से टेस्ट, तो भाई कसम से बहुत ही टेस्ट अच्छा था, तो एक्सपीरियंस अच्छा लगा ठेका कॉफ़ी का। तो अभी फ़िलहाल घर जा रहे हैं, सब्जी वब्जी लेंगे, घर में खाना वाना खाएंगे। भाई बहुत सही मजा है, बहुत तो जेन्युइन रिव्यू है। पीना ना बहुत अच्छी, सिर्फ दो पीना, कॉफ़ी की जवानी और एक ही है चॉकलेट मिल्क शेक, और पलंग तोड़ कॉफ़ी भी। पलंग तोड़ बहुत कुछ ज़्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग है, जिसको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चाहिए वो पलंग तोड़ ले सकता है, और रात को फिर पलंग तोड़ेगा मतलब नींद नहीं आने वाली रात को उसको। फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट है। हाँ OTT बिग बॉस थोड़ी है ये है। तो भाई फिलहाल घर चलते हैं, मैं कैमरा घर पे भूल गया था तो इस वजह से एप्पल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं घर पे आ चुके हैं अब हम, कॉफ़ी तो सही थी, बहुत बढ़िया थी, मतलब इतना मतलब जो हाइक थी आज वो पूरी हो गई है। जनरली बंदा भी बहुत सही था यार, कसम से बता रहा हूँ, बंदा बहुत सही है। आपने शायद इसकी फोटो देखोगे हमारे ब्लॉग के अंदर, लाइक वीडियो होगी। तो फिलहाल अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे या कल वो करेंगे, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल इतने। तो ये आप देख सकते हैं सबसे महंगा फ्रिज है, ये कम से कम नहीं तो 2-3 लाख, हाँ 4-5 लाख का है, 2-3 नहीं, इसमें बर्फ बर्फ जमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक जम जाती है, अपना आ जाता है। और बाकी खाने की तैयारी हो चुकी है, ये अपनी सब्जी हो गई मिक्स वेज, ये चटनी हो गई, ये अरहर की दाल आ रही है इसके ऊपर, बाकी खाना तैयार है, और मौसी जी ने बना चुका है। हाँ तो मौसी जी ने बढ़िया बढ़िया हाथों से अपने बढ़िया खाना बनाती है, बना के तैयार कर दिया है, फिलहाल खाना खाएंगे, ठीक है? और फिर माँ बाप की गालियाँ खा के और उनके टपर में पल के सो जाएंगे। पुनीत कुमार का बुखार चढ़ा है आजकल। कहाँ पर जा रहे हैं? तो दोस्तों स्विमिंग पूल में आज हम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, गजब मज़ा आ रहा है, और आप देख सकते हो कितना हरा भरा माहौल है, नीला नीला माहौल, नीला माहौल है ये। और मैं पानी के किनारे जा रहा हूँ, और ये फ़ोन भी मेरे साथ डूबने वाला है, फोन नहीं है, फ़ोन लेके आओ, चलो मैं ज़रा एक वो मारूँ, मार, ओए फ़ोन नहीं गिर जाए, फ़ोन ना गिरे। तो मेरा भाई अभी डाइव मार के दिखाएगा, मैं आपको टाइम है। गाइस अभी हो रहे हैं रात के 11:40 या 11:50 ऐसी कुछ हो रहे हैं, और हम आए हैं फालूदा खाने के लिए, और इस समय फालूदा वाले भैया जाने वाले थे, हमने रोक लिया एकदम से, तो अभी फालूदा पैक हो रहे हैं। यूपी कुल्फी भंडार है, यूपी कुल्फी भंडार,
लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नगर और निर्माण विहार के बीच और बीच खड़े होते हैं विजय चौक के पास। भैया भैया हैं, शक्ल याद रख लेना भैया की, इन्हीं के पास आओ हमेशा। भैया नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार। हाँ प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार। तो प्रमोद कुमार भैया यहाँ पे फलूदा बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। ये देखो रूह अफजा डाल रहे हैं, तो रंग रूप देखो कितना मस्त लग रहा है रूह अफजा का। ओ सॉरी रूह अफजा कह रहा हूँ, फलूदा का रूह अफजा डाल रहे हैं ऊपर से। तो बस अभी लाइटिंग भी भैया ने हमारे लिए चालू करी है क्योंकि अंधेरा था, तो भैया ने कहा मैं लाइटिंग चालू कर देता हूँ तो उससे मुँह पे थोड़ा सा उजाला उजाला आएगा इस वजह से। तो बाकी अभी बस घर निकल रहे हैं, फलूदा पैक हो चुका है, तो बाकी कहानी आपको घर पे बताते हैं कंटिन्यू करके, या फिर कल सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। शुभ खैर, मौसम कितना मजेदार हो रहा है, बढ़िया मौसम। कैसा लग रहा है आपको मौसम, कैसा है? अच्छा है। तो तेज बोलो ना, थोड़ा और तेज। आप यार देख ही रहे हो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बड़ा मज़ेदार मौसम हो रहा है। और आज मैं घर जल्दी आ गया था लेकिन आज फिर से बारिश आ रही। कुछ सोच रखा था, कहीं जाना था मेरे को, लेकिन फिर से बारिश आ गई। तो भाई साहब क्या मस्त मौसम हो रहा है, मौसम खुल गया है थोड़ी सी बारिश होने की वजह से, लेकिन अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा स्लो मोशन ले लिया जाए, तो स्लो मोशन देखना। कैसा लग रहा है ये तो बताओ, है? अच्छा लग रहा है। हाँ। और अच्छा ये बताओ कि है? इस मौसम में पकोड़े खाने का मन कर रहा है नहीं, चाय के साथ? मन नहीं है। वाओ मेरा तो बहुत मन कर रहा है, पता मेरे को भी डाइटिंग करनी चाहिए है ना। अब बताओ आप इतने छोटे हो फिर भी आप डाइटिंग कर रहे हो, है मेरे को भी करनी चाहिए ना। तो टाटा बाय बाय बोल दें हर्षिता, टाटा बाय बाय बोल दें। नहीं अभी नहीं, नहीं।, नहीं। चल ये तो बोल दो ये कि लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बाय 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 कर दो हाथ हिला के। वाओ तो अब तो ये व्लॉग पूरा लाइक और शेयर हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब भी, ठीक है। बाय।